हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रेजी एमजी ट्रिक्स। पिछले वीडियो में हम लोग महात्मा गांधी से संबंधित जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं आयोग द्वारा विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में, उनसे संबंधित चर्चा कर रहे थे। तो महात्मा गांधी से संबंधित तीन वीडियो आपको ऑलरेडी मैंने प्रोवाइड करा दिए हैं। आज महात्मा गांधी जी का ये पार्ट 4 है, जिसमें हम लोग महात्मा गांधी से संबंधित उनके दर्शन व सिद्धांत पढ़ेंगे। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से आयोग द्वारा सर्वाधिक प्रश्न पूछे गए हैं। अभी तक हम लोगों ने महात्मा गांधी से संबंधित आंदोलन कवर किए, उनका सामान्य जीवन परिचय कवर किया, उनके द्वारा स्थापित आश्रम कवर किए, उनके द्वारा जो नजदीकी व्यक्ति उनके साथ रहे उनसे संबंधित प्रश्न देखे। तो अब जो है उनका सिर्फ दर्शन और सिद्धांत यहाँ पर हम लोग देख लेंगे। तो महात्मा गांधी से संबंधित पिछले वर्षों में जो लगभग 100 के आसपास प्रश्न पूछे गए हैं, वो आप अगर इन चार वीडियो को देख लेते हैं तो सारे प्रश्न आपके बन जाएंगे। आप चाहे घटना चक्र उठा के देख लीजिएगा, चाहे वाणी उठा के देख लीजिएगा, चाहे एसएससी की कोई भी किताब जो प्रीवियस ईयर की हो, यहीं से प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो ये महात्मा गांधी का अंतिम चैप्टर है, इसका लास्ट पार्ट भाग 4। तो इसमें हम लोगों को क्या देखना है, तो इसमें सबसे पहला जो प्रश्न पूछा गया है कि महात्मा गांधी के राम राज्य के युगल सिद्धांत कौन कौन से हैं। महात्मा गांधी के राम राज्य के युगल सिद्धांत कौन कौन से हैं, तो इसका सही जवाब होगा सत्य और अहिंसा। आपको सवाल एग्जाम में दिया जाता है कि महात्मा गांधी के राम राज्य के युगल सिद्धांत कौन से हैं। चार विकल्प आपके सामने रहेंगे, एक विकल्प में रहेगा सत्य और अहिंसा, एक में रहेगा चरखा और खादी, या अस्पृश्यों के खिलाफ जो छुआछूत होती है उसका अंत, या शराबबंदी, इस तरीके से जोड़े दिए जाते हैं। तो हमें सही विकल्प क्या चुनना है, सत्य और अहिंसा। ये होगा महात्मा गांधी के राम राज्य के युगल सिद्धांत। अब महात्मा गांधी का राम राज्य क्या है, तो महात्मा गांधी ने राम राज्य को क्या कहा है, स्वराज कहा है। स्वराज कहा है महात्मा गांधी ने राम राज्य को, स्वराज और धर्म राज्य भी कहा है इसको, धर्म राज्य। तो ये बात उस समय की है जब महात्मा गांधी अपनी दांडी यात्रा के दौरान थे 1930 में, और इसी दौरान उन्होंने नवजीवन पत्रिका में एक लेख लिखा था जिसका शीर्षक था राम राज्य और स्वराज। ये उस पत्रिका का शीर्षक था। उसमें उन्होंने साफ साफ ये कहा है कि मैं राम राज्य को, अगर जिन व्यक्तियों को राम राज्य से दिक्कत है तो मैं राम राज्य को धर्म राज्य कहने से भी गुरेज नहीं करूंगा। तो ये है महात्मा गांधी का राम राज्य के बारे में अवधारणा। राम राज्य के बारे में महात्मा गांधी तीन विचार रखते हैं कि ऐसा राज्य जहां पर लोक हित का पालन हो, यानी कि जो जनता है वहां की लोकमत है उसका सम्मान किया जाए, सभी कार्य धर्म के अनुरूप हो, इस तरीके से उन्होंने बातें कही हैं। तो ये महात्मा गांधी के राम राज्य से संबंधित बातें हैं। तो ये क्या है, सत्य और अहिंसा पर आधारित है। अब यहीं पर प्रश्न पूछा गया दूसरा कि अहिंसा का अर्थ क्या होता है। तो अहिंसा का अर्थ होता है सत्य प्राप्ति का रास्ता। महात्मा गांधी के अनुसार अहिंसा का अर्थ क्या है, तो है सत्य प्राप्ति का रास्ता, या यहीं पर कह देंगे तो सत्य प्राप्ति का साधन, सत्य प्राप्ति का साधन, साधन भी हम इसको कह सकते हैं, सत्य प्राप्ति का साधन। ठीक है, तो सत्य क्या है, सत्य एक अस्तित्व है जिसके बिना पूर्ण ज्ञान या शुद्ध ज्ञान की प्राप्ति असंभव है, ये महात्मा गांधी के अनुसार। और अहिंसा क्या है, अहिंसा क्या है, सत्य प्राप्ति का रास्ता या सत्य प्राप्ति का साधन, यानी कि एक ऐसा साधन जिससे कि सत्य की प्राप्ति हो सके, उसे क्या कहेंगे, अहिंसा। ये किसके अकॉर्डिंग है, महात्मा गांधी जी के अकॉर्डिंग। तीसरा प्रश्न बनता है कि महात्मा गांधी के अनुसार हिंसा का क्रूरतम रूप क्या है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा गरीबी का स्थायित्व। तो महात्मा गांधी ने एक फेमस स्टेटमेंट दिया है कि पॉवर्टी इज द वर्स्ट सिचुएशन ऑफ वायलेंस, यानी हिंसा, पॉवर्टी इज द वर्स्ट सिचुएशन ऑफ वायलेंस, उसी को आधार मान के ये प्रश्न बनाया गया है। पॉवर्टी इज द वर्स्ट सिचुएशन ऑफ वायलेंस, वर्स्ट सिचुएशन ऑफ वायलेंस, यानी कि जो गरीबी है ये हिंसा का क्रूरतम रूप है, या वर्स्ट यानी कि सबसे निचली स्थिति है। ये महात्मा गांधी जी का स्टेटमेंट है। तो यहीं से प्रश्न बना था कि क्रूरतम रूप क्या है, तो गरीबी का स्थायित्व, यानी कि गरीबी का लगातार बने रहना हिंसा को जन्म देता है, ये महात्मा गांधी के अकॉर्डिंग बात कही गई है।
अगला एक प्रश्न पूछा गया है महात्मा गांधी जी के सत्याग्रह से संबंधित, कि महात्मा गांधी के अनुसार एक सत्याग्रही की क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए। तो यहाँ पर ये सत्याग्रही की विशेषताएं यहाँ पर लिखी हुई हैं। तो सत्याग्रही की तीन विशेषताएं मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली विशेषता है कि किसी भी सत्याग्रही का जो शस्त्र है वो क्या होना चाहिए, अहिंसा होना चाहिए, यानी कि हिंसा के मार्ग पर ना चल करके अहिंसा का मार्ग अपनाना चाहिए किसी भी सत्याग्रही को, क्योंकि महात्मा गांधी जानते थे कि अंग्रेज जो है वो उनसे सबल हैं, अंग्रेज उनसे ज्यादा ताकतवर हैं, तो ऐसी कंडीशन में कभी भी हिंसा का सहारा ना लिया जाए, विरोधियों का हृदय परिवर्तन करके उन्हें अपने अनुसार ढाल लेना, ये सत्याग्रही की सबसे अच्छी विशेषता होती है। और यहीं पर दूसरा स्टेटमेंट है, दूसरा है कि सत्याग्रही की क्या विशेषता होनी चाहिए, कि सत्याग्रही को अपने शत्रु से द्वेष भाव नहीं रखना चाहिए। चाहे कोई भी व्यक्ति हो, अगर वो सत्याग्रही है तो उसका चाहे शत्रु हो चाहे विरोधी हो, उसको उसके प्रति द्वेष भाव या बदले की भावना नहीं रखनी चाहिए। और तीसरा जो है किसी भी सत्याग्रही की विशेषता ये है कि उसका जो संकल्प है वो दृढ़ निश्चय वाला होना चाहिए, यानी कि संकल्प जो है वो अडिग होना चाहिए, दृढ़ निश्चयी संकल्प होना चाहिए। तो ये तीन विशेषताएं होनी चाहिए। शत्र क्या होना चाहिए, अहिंसा, शस्त्र शत्रु को के प्रति द्वेष की भावना नहीं होनी चाहिए, और संकल्प होना चाहिए उसका दृढ़ एकदम। तो ये हो गई सत्याग्रही की विशेषताएं। यहीं से अगला प्रश्न पूछा जाता है कि महात्मा गांधी के व्यक्तित्व के बारे में बताइए। तो एक प्रश्न पूछा जाता है कि महात्मा गांधी के व्यक्तित्व से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है। तो यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि समाजवादियों में एक व्यक्तिवादी और समाजवादियों में एक मार्क्सवादी। इस कथन का क्या मतलब है, ये महात्मा गांधी के व्यक्तित्व को बताता है। तो महात्मा गांधी समाजवादी हैं, इस बात में तो कोई दो राय नहीं है, समाजवादी हैं, क्योंकि महात्मा गांधी चाहते थे एक राज्य विहीन समाज चाहते थे, और उनके अनुसार उत्पादन के जितने भी स्रोत हैं, जितने भी साधन हैं, उनका डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि उनका वितरण सभी लोगों में समान रूप से होना चाहिए। तो महात्मा गांधी समाजवादी हैं। दूसरा यहां पर लिखा हुआ है व्यक्तिवादी। तो व्यक्तिवादी का मतलब होता है कि महात्मा गांधी व्यक्ति के हित के साथ साथ समाज का भी हित चाहते थे। तो समाजवादियों में क्या है, वो एक व्यक्तिवादी है, और समाजवादियों में भी एक क्या है, मार्क्सवादी। मार्क्सवाद का मतलब होता है, मार्क्सवाद भी समाजवाद से ही मिलता जुलता एक शब्द है, लेकिन अंतर ये होता है कि मार्क्सवाद जो है वो यथार्थ समाजवाद पर आधारित होता है, यानी कि सत्य पर आधारित या वास्तविकता पर आधारित समाजवाद को ही क्या कहा जाता है, मार्क्सवाद कहा जाता है। कार्ल मार्क्स ने इस मार्क्सवादी विचारधारा का प्रतिपादन किया था। तो समाजवादियों में एक मार्क्सवादी और समाजवादियों में एक व्यक्तिवादी, ये विशेषता होती है किसकी, महात्मा गांधी की। एक व्यक्तित्व को निरूपित करने वाली विशेषता है कि समाजवादियों में वो एक व्यक्तिवादी हैं और समाजवादियों में एक वो मार्क्सवादी है। ये भी प्रश्न पूछा गया है। अगला, सत्याग्रह में अंतिम स्थान महात्मा गांधी के अनुसार किस चीज को दिया गया है। तो यहीं पर आपके सामने चार विकल्प दिए होते कि महात्मा गांधी के अनुसार सत्याग्रह में अंतिम स्थान किस चीज को प्राप्त है। चार विकल्प हैं, एक हड़ताल दे देगा, एक उपवास दे देगा, ठीक, एक दे देगा आपको अवज्ञा दे देगा या बहिष्कार दे देगा। इस तरीके से चार ऑप्शन बना देगा और आपको सही विकल्प चुनना होगा। तो क्या लगाएंगे, हड़ताल। अंतिम स्थान किसको प्राप्त है, तो हड़ताल प्राप्त है। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी के अनुसार राजनीति से क्या तात्पर्य है। तो महात्मा गांधी जी के अनुसार राजनीति सिर्फ भोग विलास की वस्तु नहीं है, केवल लोगों को प्रताड़ित करने वाली वस्तु नहीं है, क्या है राजनीति, जन कल्याण के लिए सक्रियता। वो भी जन कल्याण के लिए कैसी सक्रियता, लगातार सक्रियता। तो ये है महात्मा गांधी के अनुसार राजनीति, हमेशा जन कल्याण के लिए कार्य करना, यही महात्मा गांधी जी के अनुसार राजनीति का अर्थ है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि महात्मा गांधी जी के अनुसार अर्थव्यवस्था किस प्रकार की होनी चाहिए। तो महात्मा गांधी जी अहिंसा पर आधारित अर्थव्यवस्था चाहते थे, ये ध्यान रखेंगे, प्रश्न में अहिंसा वर्ड जहां दिखे वही लगाना है, अहिंसा पर आधारित अर्थव्यवस्था चाहते हैं और केंद्रीयकरण के विरोधी हैं।
यानी कि सत्ता का केंद्रीयकरण ना होने पाए। इसीलिए आपको पता होगा जो ग्राम स्वराज है या पंचायतों का गठन है या सत्ता का विकेंद्रीकरण है, ये सब महात्मा गांधी जी चाहते थे। तो अहिंसा पर आधारित अर्थव्यवस्था और केंद्रीकरण के विरोधी, इस तरीके केंद्रीकरण विरोधी अर्थव्यवस्था, इस तरीके की अर्थव्यवस्था महात्मा गांधी जी चाहते हैं। अगला एमजी यानी कि महात्मा गांधी के अनुसार अस्पृश्यों यानी कि जो एससी एसटी वर्ग है, दलित वर्ग है, उसकी स्थिति में सुधार करने के लिए क्या कार्य करना चाहिए, इस तरीके का प्रश्न पूछा जाता है। तो ध्यान रखेंगे कि महात्मा गांधी के अनुसार दलितों अस्पृश्यों की स्थिति में सुधार कैसे लाया जाएगा, तो कुटीर उद्योग की स्थापना करके। कुटीर उद्योग की स्थापना करके महात्मा गांधी चाहते थे कि जो दुर्बल वर्ग है, दलित वर्ग है, उनका उत्थान किया जा सकता है। कुटीर उद्योग जैसे कि आपका रबड़ बनाना है, कागज बनाना है, चमड़ा बनाना है, या इसी तरीके के कुछ और काम है, तेल पेरना है, तो इस तरीके के छोटे छोटे जो उद्योग हैं उनको स्थापित करके जो अस्पृश्य लोग हैं, जो एससी एसटी वर्ग हैं, उनका सामाजिक और आर्थिक उत्थान किया जा सकता है। ये महात्मा गांधी जी का ऐसा मत था। नेक्स्ट गांधीयन इनोवेशन के बारे में पूछा जाता है। गांधीयन इनोवेशन क्या है? इनोवेशन का अर्थ होता है नवाचार। क्या अर्थ होता है? नवाचार। तो गांधी जी के अनुसार नवाचार क्या है कि कम से कम लागत पर अधिक से अधिक उत्पादन किया जाए, या बहुत कम निवेश पर अधिक से अधिक उत्पादन किया जाए, और वो उत्पादन जो है ज्यादा से ज्यादा लोगों के लिए हो, ऐसा महात्मा गांधी जी का वक्तव्य है। इसके बारे में नवाचार या इनोवेशन के बारे में यही लिखा हुआ है, कम निवेश पर अधिक उत्पादन अधिक लोगों के लिए, यही है महात्मा गांधी जी के अनुसार गांधीयन इनोवेशन। अगला है ट्रस्टीशिप का सिद्धांत। तो महात्मा गांधी जी ने ट्रस्टीशिप का सिद्धांत कहां लागू किया था? तो 1903 से 1910 के बीच में महात्मा गांधी जब साउथ अफ्रीका में थे, वहां पर उन्होंने एक लॉ फर्म स्थापित की थी, और वहीं पर उन्होंने सबसे पहले ट्रस्टीशिप का सिद्धांत लागू किया था। और इस सिद्धांत को लागू करने के पीछे उनका एक मत था, और वो था काले और गोरे के बीच का भेद को समाप्त करना। जैसा कि आप जानते हैं कि जब वो डरबन से प्रिटोरिया के बीच जा रहे थे, तो उन्हें पीटर मार्क्सबर्ग स्टेशन पर प्रथम श्रेणी का टिकट होने के बावजूद ट्रेन से उतार दिया गया था। तो उसी घटना से प्रभावित होकर ही उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में एक लॉ फर्म स्थापित की थी, और वहीं पर उन्होंने सबसे पहले ट्रस्टीशिप का सिद्धांत लागू किया था, जिसके अनुसार एक माध्यम है ट्रस्टीशिप जिसमें अमीर गरीबों की मदद करे। क्या है? एक ऐसा माध्यम जिसमें अमीर लोग गरीब और असहाय लोगों की मदद करें, इसी को कहते हैं ट्रस्टीशिप सिद्धांत। तो इस तरीके से यहाँ पर 9 प्रश्न जो पिछले वर्षों में पूछे गए हैं महात्मा गांधी के दर्शन और सिद्धांत से संबंधित, वो मैंने आपको कवर करा दिए। एक प्रश्न इसमें महात्मा गांधी के दर्शन और सिद्धांत से और पूछा जाता है कि महात्मा गांधी के अनुसार परिवार नियोजन का सर्वोत्तम साधन क्या है? परिवार नियोजन का साधन क्या है महात्मा गांधी के अनुसार? परिवार नियोजन का साधन, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। तो इसमें 4 विकल्प आपको दिए जाएंगे कि महात्मा गांधी के अनुसार परिवार नियोजन का सर्वोत्तम साधन क्या है। 4 विकल्प रहेंगे। उन 4 विकल्पों में कौन कौन सा विकल्प रहेगा? गर्भ निरोधक का उपाय, या परिवार नियोजन के लिए आत्मनियंत्रण होना चाहिए, या ब्रह्मचर्य का पालन कर लेना चाहिए, या स्त्रियों से दूर रहना चाहिए, इस तरीके से ऑप्शन दे देगा। आपको ध्यान रखना है कि महात्मा गांधी के अनुसार परिवार नियोजन का जो सर्वोत्तम साधन है वो है सेल्फ कंट्रोल, यानी कि आत्मनियंत्रण। क्या है? आत्मनियंत्रण। आत्मनियंत्रण, ये भी प्रश्न पूछा गया है। और एक अंतिम प्रश्न इसमें और बचता है, जिसमें महात्मा गांधी को कहा जाता है दार्शनिक अराजकतावादी। क्या कहा जाता है? दार्शनिक अराजकतावादी। यहीं पर मैं लिख देता हूं, महात्मा गांधी को दार्शनिक अराजकतावादी कहा गया है। दार्शनिक अराजकतावादी,
अराजकतावादी का मतलब एनार्किस्ट कहा गया है, तो ऐसा उन्होंने खुद ही कहा है कि मैं अपने आप को अराजकतावादी कहने से गुरेज नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि वो एक राज्य विहीन समाज की संकल्पना चाहते थे, राज्य विहीन समाज वो चाहते थे, इसीलिए उन्होंने कहा कि मैं अराजकतावादी भी मुझे अगर कोई कहे तो मैं उससे गुरेज नहीं करूंगा। तो इतने प्रश्न यहां पर पूछे गए हैं, ये 10 प्रश्न आप करिए और 4 वीडियो आप बार बार देखिए और निश्चित तौर पर आपको वो जो 100 प्रश्न पूछे गए हैं लगभग महात्मा गांधी से संबंधित, वो 100 के 100 प्रश्न आपके हमेशा हमेशा के लिए तैयार हो जाएंगे। वीडियो सिर्फ 18 मिनट का है प्रत्येक वीडियो, और 18 और ये 4 वीडियो यानी कि 72 मिनट लगभग 1 घंटे के ये चारों पार्ट हो जाएंगे। तो आप आसानी से महात्मा गांधी से अभी तक जितने भी प्रश्न बने हैं उनको आसानी से हल कर पाएंगे। तो कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट करके जरूर बताइए और इसको शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, कम से कम एक ग्रुप में इसको जरूर शेयर कीजिए, जिससे कि और भी विद्यार्थी जो तैयारी कर रहे हैं जैसे कि UP SSC पेट की या RO AR जो दिसंबर में होने वाला है, उनको निश्चित तौर पर आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित प्रश्न अगर बनेंगे महात्मा गांधी से संबंधित तो यहीं से बनने की संभावना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।